कोई स्टॉक स्पेसिफिक कोई स्ट्रेटेजी है जी सर, पहले अपडेट दे दूं थोड़ा सा। जी? सर कैन फिन होम जो हम फाइनेंशियल स्टॉक से हमने दिया था, आपको याद हो कुछ दिन 2 वीक पहले हमने 550 से करीब दिया था सर, 530-535 आया, उसके बाद अब 590 चल रहा है, जो हमारा टारगेट 600 का था ऑलमोस्ट उसके करीब आ चुका है ये स्टॉक। एंड अगर किसी के पास है और या नई एंट्री करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, अभी भी स्टॉप लॉस बढ़ा ले 560 के करीब का, 555-560 के करीब का। जो पुराने बाई है लास्ट वीक जो हमने दिया था तब, उनका तो कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाएगा, नया बायर्स के लिए 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट सर रिवाइज करके 650 से 670 हम कर रहे ये राय कैनफिन होम्स पे टारगेट्स रिवाइज होते रहेंगे, रिव्यू लेते रहेंगे, लेकिन सर नई पोजीशन तो बनाने के लिए अब तो अपॉर्चुनिटी निकल चुकी है ना? हैं। नहीं नहीं सर, नई पोजीशन बना सकते हैं, तभी वही बता रहा हूँ, अच्छा ठीक है, नई पोजीशन नहीं बना सकते हैं, करेक्ट अभी भी जस्ट स्टार्ट हुआ है इसका मूवमेंट, तो नई पोजीशन बना सकते हैं। सिर्फ 40 पॉइंट ऊपर है, हमें इसको लगता है 700 तक जाएगा स्टॉक, तो अभी भी नई पोजीशन बना ठीक सकते हैं, है ठीक है, 560 का स्टॉप लॉस रख के ले सकते हैं। ओके ठीक है। मेरे एंड थोड़ी सी आवाज कटी थी बीच में, तो मुझे लगा कि शायद आप कुछ और कह रहे हैं। ठीक है, तो 560 का स्टॉप लॉस लगा करके अभी भी आप कह रहे हैं कि बना सकते हैं पोजीशन, कोई दिक्कत की बात नहीं, जी यही कह सर, रहे हैं ना? जी सर, चलिए जी बढ़िया, सर, ठीक है। तो ये हुई रहा है कैनफिन होम्स पे, ठीक है।